नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही सलामत होंगे। जैसे कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लक्षद्वीप के बुकिंग के बारे में। वैसे मैं 2 साल पहले बना चुका था लक्षद्वीप के बारे में, लेकिन फिर सोचा फिर लेटेस्ट बना देता हूँ, क्योंकि जब भी लोग देखते हैं कि तो 2 साल पुराना वीडियो है तो इसे देखते नहीं है, तो उनको जानकारी नहीं मिल पाता है। वायरस मैंने उसमें भी अच्छा से जानकारी दिया था, तो इसलिए मैंने लेटेस्ट ताज़ा जो 4 जनवरी से खलबली मचा हुआ है लक्षद्वीप, काफ़ी सुर्खियों में आ चुके हैं, हर कोई डिस्कस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी काफ़ी डिस्कस होने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं लेटेस्ट अपडेट दे दूँ, लेकिन इस वीडियो में पूरा नहीं बता पाऊंगा। मैं अगला वीडियो बना दूंगा, मैं ब्रेक कर दूंगा, मैं तो मतलब पार्ट कर दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और किसी के पास इतना टाइम नहीं है देखने के लिए, मतलब इसलिए आपको तकलीफ होगा, इसलिए मैं ब्रेक कर दूंगा। जैसे कि बंगाराम के लिए एक वीडियो बना दूंगा, अगाटी के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, कबराटी के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, इस तरह से, तो कुछ भी जानकारी आपको मिस नहीं होगा। लक्षद्वीप जाने के लिए सोच रहे हो तो आप लोग एकदम सही जगह पर आए हो, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं खुद जाकर आ चुका हूं, लेकिन मैं बहुत पहले गया हूं। मैं और मेरे दोस्त के साथ हम लोग गए थे 4 नवंबर 2015 को। 8 साल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अभी जनवरी महीना में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो नवंबर जब होगा तब जाके 9 साल पूरे होंगे, लेकिन 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब वहां जा चुका हूँ। और मेरा वो जो ट्रैवल एजेंट है जिससे मैंने बुक किया था, उसके साथ मेरा आज भी कॉन्टेक्ट नंबर है, और उसी से मैंने लेटेस्ट पैकेज डिटेल्स पूरा ले चुका हूँ मैं, तो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप लोग का हमारा देश को पसंद करते हो, सपोर्ट करते हो, लक्षद्वीप का टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आप लोग चाहते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा व्यूज के लिए, मेरा व्यूज तो ऐसे भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, बट डिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी मच मैंडेटरी। मैं आपको बार बार गुजारिश करूंगा, मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जरूर शेयर करें, इसलिए कि लक्षद्वीप के बारे में लोगों को जानकारी मिलना चाहिए और मैं ताजा जानकारी आपको दे रहा हूं। पैकेज डिटेल्स में आपको बताने से पहले मैं बता देता हूँ, बेसिक जो समरी है मैं बता देता हूँ। लक्षद्वीप में जाने के लिए 2 रास्ता है, एक है फ्लाइट से, दूसरा है जहाज से, और मेन गेट वो है कोची, जो कि केरला का जो मतलब मेन शहर है, कोची में से आपको जाना पड़ेगा। लक्षद्वीप में जाने के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं जब गया था 2015 में, उस टाइम तो बहुत ही दिक्कत हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने आसानी से उसको कर लिया था, टाइम लगा था बट मैंने कर लिया था। आज का डेट में भी थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी उस जमाने से मिलाने से आज का डेट में काफी मतलब इजी है, और आने वाले दिनों में और भी इजी हो जाएंगे। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी जा चुके हैं, तो आने वाले दिनों में काफी डेवलपमेंट होने वाले, और भी इजी होंगे। तो परमिट चाहिए पहली बात, फ्लाइट से या जहां से जाएंगे। सेकेंड चीज है, वहां से परमिट सिस्टम है, परमिट आपको अप्लाई करना होगा। तीसरी बात है, आपको मतलब पैकेज में जाना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध मतलब बैग निकाल लिए, ट्रेन बुक कर लिए, ऐसा है वहां में ना बस चलता है ना ट्रेन चलता है, सिर्फ फ्लाइट जाता है, वो भी पहले से बुक करना पड़ेगा। अंडमान में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग कभी भी बुक करके जा सकते हैं उधर दुनिया भर होटल से, बट लक्षद्वीप में ऐसा नहीं है, क्योंकि उधर में लिमिटेड एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन काफी कम है, इसी हिसाब से जितना ज्यादा जाएंगे उधर जा नहीं सकते। अभी डेवलपमेंट्स होंगे तो सब कुछ जा पाएंगे, फिर भी उसमें रेस्ट्रिक्शंस होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को मैं अभी बता रहा हूँ एक एक करके, आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ आगाती के पैकेज के बारे में, और भी पैकेजेस है लेकिन वो इस वीडियो में लंबे हो जाएंगे, इसलिए जैसे कि मैं पहले कहा मैं दूसरा वीडियो में पार्ट करके बना दूंगा। तो जब मैं और मेरे दोस्त गए थे 2015 में, उस वक्त आगाती में रुकने को नहीं मिला था, हमको पता भी नहीं था और रुकने को मिला भी नहीं था, बाद में हमने पूछा था। तो हमने तैरा है बंगाराम आइलैंड, बंगाराम बहुत ही खूबसूरत है, जहां भी देखेंगे उसका खास बात यही है, आप जिस तरफ से भी घूमने जाएंगे उस तरफ पे आपको अलग अलग सीनरी देखने को मिलेगा, अलग अलग फोटोज खींच सकते हैं आप लोग, एंजॉय कर सकते हैं। तो इस बार आगाती आइलैंड में हमने सिर्फ फ्लाइट से उतरा था, उसके बाद हमको खाना पीना खिला के फिर बोट से इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया 1-2 घंटे के अंदर। उसी टाइम में हमको जो फोटो मिला, मतलब आते वक्त जाते वक्त जो भी टाइम मिला हमने फोटो खिंचवाया और थोड़ा सा मतलब मजा लिया, दैट इज इट। बट इस बार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो मुझे जानकारी मिला है ट्रैवल एजेंट से। पहले तो ट्रैवल एजेंट का नाम मैं बता देता हूँ, फ्लाई जोन वेंचर्स एस मैन, थैंक यू सो मच फ्लाई जोन वेंचर्स, जो कि बार बार मुझे को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। हालांकि मैं नेक्स्ट टाइम अभी जा नहीं पा रहा हूँ, मैं जरूर चला जाऊंगा, मेरी बच्ची थोड़ा छोटी है बट थोड़ा बड़ा होने से मैं चला जाऊंगा। एनीवे, तो ये आगाती का पैकेज मैं अभी बता रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल्स दे देता हूँ मैं आपको। दोस्तों, आगाती में पूरा लक्षद्वीप में बड़ा होटल्स रिसोर्ट्स नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
तो ये जो पैकेज है 3 nights 4 days का जो जानकारी मिला है, आप लोग स्क्रीन में देख लीजिए, 3 nights 4 days का। और आगाटी में अभी आपको फिलहाल होम स्टे में रहना पड़ेगा, हमको तो पता भी नहीं था होम स्टे में भी, दूर की बात है। तो अभी फिलहाल होम स्टे में भी आपको 3 category दिया हुआ है, अलग अलग रेट है, वो रेट्स में आपको डिटेल्स बता देता हूँ। उसमें इंक्लूजन में आपको बता देता हूँ, कोची से आप फ्लाइट से जाएंगे अगाटी आइलैंड प्लस वापस जाएंगे वो आपके ऊपर है, वहां से पैकेज शुरू होता है। जैसे आप लैंडिंग करेंगे अगाटी एयरपोर्ट में, वहां से पैकेज शुरू होता है आपका, वहां से आपको पिकअप किया जाएगा, कैब से आपको उनका गेस्ट हाउस में लिया जाएगा, फिर आपका आइटिनरी जो है डिटेल्स में आपको बता देता हूँ, जैसे कि मुझे मिला है सब कुछ आपको सेंड कर देता हूँ। इसके अलावा आपको फुल डिटेल्स चाहिए तो मेरा मेल आईडी जो है, मेल आईडी में आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, लिखिए उसमें डिस्क्रिप्शन क्या चाहिए, मैं आपको जो है पूरा डिटेल्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर आप लोग आराम से देख लीजिए, क्योंकि हर चीज अगर वीडियो से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बजट में जो है एक कपल के लिए, दो आदमी के लिए, शायद दो फ्रेंड्स हो जाए, दो लड़की हो जाए, या फिर हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी होगा, एक कपल के लिए सबसे सस्ता है 41,500 तीन रात के लिए, यानी 3 nights 4 days है। उसको आप डिवाइड कीजिए, 41,500 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 13,833 समथिंग आता है, फिर उसको भी दो आदमी से डिवाइड कीजिए तो 6,918 रुपया आता है, एक आदमी का 6,1800 रुपया पर डे। तो आपको महंगा एकदम नहीं लगना चाहिए, ऐसे तो महंगा लगता है बट नहीं लगना चाहिए कंसीडरिंग द सिचुएशन वहाँ का हिसाब से, क्योंकि इसमें आपका बोर्ड ट्रांसफर, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा। पहले तो पूरा मील्स मिलेगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलेगा, उसके बाद आपको एयरपोर्ट में जैसे उतरेंगे आपको एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप, यानी आपको पिकअप करके गेस्ट हाउस में लेके आएंगे, फिर जब आप वापस आ जाएंगे फिर एयरपोर्ट में ड्रॉप कर देंगे, वो भी हो गया। उसके बाद देख रहा हूँ मैं, अच्छा उसके बाद एक नॉन एसी कैब से आपको साइट सीइंग कराएंगे, अगाटी आइलैंड में घुमाएंगे, वहाँ म्यूजियम जो भी वगैरह है वो सब दिखा देंगे, ठीक है, घुमा फिरा के आपको छोड़ देंगे घर में। फिर देख रहा है क्या मजे बात है, एक्सकर्शन करा रहा है, मतलब बंगारम आइलैंड और तिनाकरा आइलैंड, बंगारम आइलैंड के बगल में तिनाकरा आइलैंड है, उधर में एक्सकर्शन में डे ट्रिप में लेके जाएंगे आपको, इसी में से, इसी पैसा में से। हमारा टाइम में मिस हो गया उस वक्त, नहीं था हमको सीधा बंगारम आइलैंड में, मतलब छोड़ दिया था, ठीक है, वो बात कुछ और था। मैं और मेरे दोस्त और एक फॉरेन कपल था, हम लोग सिर्फ 4 थे उस वक्त, और 4 मतलब क्रू थे जो हमको सर्व कर दो लोग थे। तो ये बार, इस बार का जो पैकेज है, क्योंकि अब 9 साल हो चुका है ना, 8 साल हो चुका है, तो काफी डेवलप हुआ है, तो बहुत ही डेवलप हो गया, मतलब अभी इस बारे में रिगार्डिंग दिस पैकेज कस्टमाइजेशन में। तो मैं क्या बोल रहा था, आपको पिकअप ट्रांसफर करेगा, आपको मतलब लोकल साइट सीइंग करेगा, उसके बाद उधर एक्सकर्शन करेगा, फिर एक कल्पिटिया आइलैंड बोल के है, उधर भी आपको लेके जाएगा प्राइवेट बोट से, तो ये भी आपका इंक्लूडेड है इसी पैकेज में से, सिर्फ 6,918 रुपया में एक आदमी का हो रहा है। नेक्स्ट रूम कैटेगरी है बीच विला, मतलब बीच के आगे होगा, सामने होगा, बीच विला है, उसका थोड़ा महंगा है, बाद बाकी फैसिलिटीज सब सेम है, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर एयरपोर्ट ट्रांसफर दे एक्सकर्शन वगैरह सब सेम है, बट उसका रूम कैटेगरी थोड़ा महंगा है, वो है 47,500, यानी पर डे आपको पर आदमी पर पर्सन आपको आएगा 7,916 रुपीज, थोड़ा सा अपग्रेड हुआ रूम के हिसाब से। और एक चीज मैं बता दूं, ये सिर्फ कफुल के लिए नहीं, कफुल के लिए ये रेट है, थोड़ा और कम हो जाएगा अगर एक रूम में 4 आदमी रहेंगे, यानी 2 कपल्स रहेंगे, और भी कम हो जाएगा अगर 6 आदमी रहेंगे। तो 3 प्रकार का रूम है, मतलब एक रूम टाइप में, मतलब 3 प्रकार का, 3 टाइप्स ऑफ रूम्स है उसमें कैटेगरी क्या, यानी 2 आदमी रह सकता है, 4 आदमी रह सकता है और 6 आदमी रह सकता है, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा बेड अगर चाहिए उसके हिसाब से और भी मिलेगा, पूरा डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, आप जो भी हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे मेल में मैं भेज दूंगा, क्योंकि हर एक चीज वीडियो में बोलना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, मैं आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। नेक्स्ट रूम कैटेगरी है बीच कॉटेज, थोड़ा सा और भी अपग्रेड हो गया, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड है, इसमें सबसे ज्यादा महंगा है 53,650 रुपीज है कफल के लिए 3 रात के लिए, बट बाकी सब फैसिलिटीज सेम है, बट इसमें जो है पर डे पर पर्सन आपको आ रहा है हिसाब 8,941 रुपया आ रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड करूंगा, अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं सबसे इकोनॉमी जो है मैं उसमें बुक करूंगा, मैं अगर जाऊंगा नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा तो मैं इकोनॉमी में बुक करूंगा, और आपको भी पैसा बचाना है तो इकोनॉमी में, क्योंकि आपको तो रूम तो वो अच्छा ही होता है, कोई मतलब फालतू नहीं होता है, अच्छा ही होता है, तो आपको मैक्सिमम एक्सकर्शन करना है, घूमना है, फिरना है, सीनरी का मजा लेने का है, ठीक है ना, तो इसलिए उसमें ज्यादा पैसा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो आई विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें जो सबसे कम था 41,750, उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है दैट यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी।